नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई टी आई टेक्निकल गुरुजी जी में आज बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे टॉपिक है तो टॉपिक का नाम है जो हमारी यूनिट्स हैं मात्रकों के बारे में तो हम जितनी भी राशियां हैं उनकी यूनिट्स के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं आज हम ये बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक है किसी भी विषय को जानने का इलेक्ट्रिशियन का यहाँ पर हमारा मुख्य विषय है और अन्य इस पर जो हमारे जो राशियाँ आएंगी और उनके यूनिट्स आएंगे मात्रक तो थोड़ा इलेक्ट्रिशियन से हट के भी आएंगे तो आप लोगों के वो सेलेबस में हैं तो आप लोगों को आने चाहिए तो इससे एग्ज़ाम में हो गया और इंटरव्यू में हो गया बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं तो बात करते हैं विद्युत धारा का मात्रक तो विद्युत धारा का हमारा मात्रक है, कुलाम, प्रति या उसके बाद है आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अगला है प्रतिरोध का मात्रक ओम जिसे हम ओमेगा से दर्शाते हैं चालकता का मात्रक मोह या साइमन विभव या विभवांतर का मात्रक है हमारा वोल्ट विशिष्ट चालकता का मात्रक है साइमन प्रति मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर संधारित्र यानी धारिता का मात्रक है फेरड प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक है प्रति डिग्री सेल्सियस चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर फ्लक्स घनत्व का मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य यानी मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा स्ट्रेंथ है उसका जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है तो एम्पियर टर्न प्रति मीटर प्रतिष्ठम्भ का मात्रक यानी रिलेक्टेंस जिसे कहा जाता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर परमियंस व्याप्रता जिसे बोलते हैं वेबर प्रति टर्न एम्पियर या एम्पियर टर्न भी कह, या भी कह सकते हैं इसे या हैनरी भी कह सकते हैं हम तो ये इसके मात्रक हैं आवेश का मात्रक कुलाम होता है विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट चुंबक वाहक बल का मात्रक होता है हमारा वोल्ट जिसे एमएमएफ भी कह देते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स पावर का मा जो पावर का मात्रक होता है वाट या जूल पर सेकेंड होता है विद्युत वाहक बल का मात्रक बोल्ट है हमारा और चुंबक वाहक बल का मात्रक है एम्पियर टर्न है हमारा तो आप इसको जरूर याद रखिए लंबाई का मात्रक है मीटर और क्षेत्रफल का मात्रक है हमारा मीटर स्क्वायर आवृत्ति का मात्रक है यानी फ्रिक्वेंसी का हमारा हर्ज या साइकिल पर सेकेंड बल का मात्रक है न्यूटन प्रतिरोध का मात्रक पहले भी बता चुके हैं हम ओम है उसके बाद प्रेरकत्व का मात्रक यानी इंडक्टर का मात्रक हमारा हेनरी है प्रतिघात यानी जेड जिसे इंपीडेंस कहा जाता है उसका मात्रक ओम है धारिता प्रतिघात यानी हमारा इंडक्टिव कैपेसिटेंस का मात्रक ओम है प्रेरकत्व तो प्रतिघात यानी जो हमारा एक्सेल जिसको बोलते हैं हम उसका मात्रक ओम है टॉर्क का मात्रक न्यूटन मीटर है अब टॉर्क क्या होता है तो जो किसी साफ्ट पर या किसी साफ्ट को घुमाने के लिए जो बल लगता है उसे टॉर्क कहा जाता है ठीक तो इसका मात्रक हमारा न्यूटन मीटर है अगला है चुंबकन तीव्रता वेबर प्रति वर्ग मीटर परावैद्युत क्षमता यानी डाय इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसे बोलते हैं किलो वोल्ट प्रति एमएम में होता है ससपेंस का मात्रक है मोह या साइमन विद्युत धारा घनत्व का मात्रक है एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर जो हमारा कोण होता है उसका मात्रक है रेडियन विद्युतशीलता का मात्रक है प्रति मीटर, ताप का मात्रक है ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला ये वाले से आगे से हमारे, पदार्थ का परिमाण का मात्रक है मोल समतल कोण का मात्रक है रेडियन घन या ठोस कोण का मात्रक है रेडियन या स्टेरिडियन, और हमारा विस्थापन का मात्रक है मीटर त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड हमारा का मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, चुंबकी जो हमारी पारगाम्यता है उसका है हेनरी प्रति मीटर अन्योन प्रेरण का है हेनरी स्व प्रेरण का है हेनरी और चुंबकीय तीव्रता जो चुंबक की क्षेत्र की तीव्रता है एम्पियर टर्न भी है एम्पियर टर्न प्रति मीटर या न्यूटन प्रति वेबर अगला है दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कोणी वेग का है रेडियन प्रति सेकेंड पृष्ठ तनाव का है न्यूटन प्रति मीटर कार्य का है जूल या न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक है जूल या किलोवाट आवर इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति का है लक्ष्य प्रदीप्ति फ्लक्स का है ल्यूमन प्रदीप्ति तीव्रता का है जो प्रदीप्ति तीव्रता का कैंडला तरंग दैर्ध्य का मीटर अगला है समुद्र की गहराई हम किससे मापते हैं फैदोमीटर से लेंस की क्षमता मापते हैं डायप्टर से आयतन का मात्रक है घन मीटर क्यूब हमारा निरपेक्ष चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी है, प्रति मीटर शांता का मात्रक है पास्कल सेकंड प्रत्याशता गुणांक का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर और ऊष्मा का मात्रक कैलोरी विशिष्ट ऊष्मा का जूल किलोग्राम चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी ईसी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विल उसका मात्रक है ग्राम प्रतिकूलाम द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम अत्यधिक अत्यधिक दूरी का है होता है पार्षिक या वर्ष वायुमंडली दाब का मात्रक है बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति उलाम और कोणी वे कोणी त्वरण का मात्रक है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर गुप्त ऊष्मा का मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम और समय का मात्रक है सेकंड। तो धन्यवाद आप सभी को समझ में आए होंगे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं